जय श्री महाकाल आप सभी को, आपको माता रानी का आशीर्वाद, शंकर भगवान जी का आशीर्वाद, आप सभी की मंगल कामना के लिए मैं माता रानी से, भोलेनाथ जी से दुआ करती हूँ कि आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे लिखना कि किस क्या आप जानना चाहते हो, क्या आप मुझसे पूछना चाहते हो, किस चीज़ का आपको समझ नहीं आता है। क्योंकि यहाँ जब आप लोग बैठे होते हो, दरबार पे भी बैठे होते हो, तो लोग ज़्यादा होते हैं, तो आपके मन की जो बात होती है आप घर से भी सोच के आए होते कि हमने ये पूछना ना, और आप पूछ नहीं पाते हो ना। तो मुझे इधर भी ये क्वेश्चन किया था और अब व्हाट्सएप पे भी ये किया कि उतारा जो होता है वो क्या होता है और क्यों होता है। और वैसे मैं आपको उस चीज़ की नॉलेज देना चाह रही हूँ कि उतारा क्या होता है। वैसे मैं अपनी बात बताती हूँ तो मैं मोस्टली लोगों को दुआओं से ठीक करती हूँ। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका उतारा मुझे करना ही पड़ता है, जब वो मेरी दुआओं से भी नहीं ठीक होते हैं। और जो बड़ी शक्ति होती है वो अपने स्थान पर नहीं जाती है उनका शरीर छोड़ करके, तब ही मैं ये स्टेप उठाती हूँ। अदरवाइज मैं अपनी दुआओं से और अपने सिद्ध मंत्र पानी में उनको दे करके ही बच्चे ठीक हो जाते हैं। जिनको छोटी मोटी हवाएं लगी होती है इधर उधर से और थोड़ी बहुत ही समस्या होती है, तो वो बच्चे ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता देती हूँ, जो भी साधक साधिकाएं या जिन पे सवारी माता रानी की आती है, या कोई वो गद्दी लगाते हैं या लगाना चाहते हैं, तो उन सबको इस चीज़ की नॉलेज रखनी चाहिए। क्योंकि जब किसी ने ये रास्ता अपनाना है तो आपको नॉलेज हर चीज़ की होनी चाहिए। मैं हर चीज़ की नॉलेज रखती हूँ, हर तंत्र मंत्र का, हर चीज़ का ज्ञान रखती हूँ। ज़्यादा ज्ञान मुझे भगवती ने ही सिखाया है, बाकी आप ये है कि इधर उधर सर्च कर लेते हैं, बुक्स पढ़ लेते हैं, नॉलेज हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। जिस काम को आप निरंतर करोगे और अपने हाथों से करोगे और खुद अपने आप सॉल्व करोगे किसी की समस्याओं को, तो आपको उसकी नॉलेज हो ही जाती है और होनी भी चाहिए। ठीक है, अपने काम में सक्षम होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, अपने काम में किसी से शिकायत नहीं होनी चाहिए, आपके काम की किसी से शिकायत ना हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किया था कि उतारा क्या करते हैं और क्यों करते हैं। और फिर हर कोई कह देता है कि जब आप ये उतारा करें और ये छोड़े, पीछे मुड़ के ना देखे, तो इसका क्या लॉजिक होता है। हर बात का छोटा छोटा अपना अपना लॉजिक तो है ही है। अब हमने भी सुन लेते हैं बात को ऐसा कि ऐसे नहीं करना, तो हम भी बता देते हैं। पर मैं कहीं हद तक इन चीज़ों पर बिलीव करने लगी हूँ, मानने लगी हूँ इन चीज़ों को और जानने लगी हूँ। क्यों जानने लगी हूँ, क्योंकि मैंने अपने साथ काफ़ी ज़्यादा इसको भुगता है ना, तो फिर मैं मानती हूँ, विश्वास करती हूँ। और नित नए दिन रात प्रयोग जो हमारे ऊपर होते हैं, नित नई समस्या हमारे लिए जागृत करते हैं, सुबह से शुरू हो जाते हैं शाम तक, तो ये उन लोगों के लिए भी होता है कि हम कितने ज़्यादा ज्ञानवान बन चुके हैं और हमें हर चीज़ की समझ आ चुकी है, तो इस करके मैं वीडियो अपनी बनाती हूँ। तो ये मैं आपको बता रही हूँ उतारे के बारे में। ठीक है, तो उतारा ऐसा होता है जो आपके ऊपर शक्ति है ना, कम से कम जो आपके ऊपर शक्ति है ना, वो उसको हमें उतारना पड़ता है किसी चीज पर। ठीक है, वैसे तो देखो मेरे दरबार में यहाँ नित नियम से भजन संकीर्तन हवन जागरण सब कुछ होता है, यहाँ इतनी ऊर्जा है, इतनी एनर्जी है, बैठने मात्र से ही लोगों के संकट दूर हो जाते हैं। ठीक है, यूट्यूब में तो मैं अब आई हूँ, मुझे 5-6 महीने हुए हैं YouTube में आए हुए, तो ये नहीं है कि मैं 5-6 ही महीने से काम कर रही हूँ, कम से कम कंटिन्यू मुझे 7 साल हो चुके हैं गद्दी लगाते हुए, तो 7 साल में काफ़ी एक्सपीरियंस होता है। मैं YouTube में ऐसे ही नहीं आई, एक तो मुझे नॉलेज नहीं थी YouTube की और मैं अपने आप को इतना सक्षम भी नहीं समझती हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा वो करती हूँ। जब भगवती अपने बच्चे को देखती है कि मेरा बच्चा पढ़ चुका है, पढ़ के काबिल बन चुका है, बोलने का सलीका आ गया, बैठने का सलीका आ गया, कुछ गाने का सलीका आ गया और हर बात का जवाब भी दे सकती है, तो भगवती की अगर आज्ञा होती है हम तभी कोई कार्य करते हैं। ऐसे नहीं करते हैं कि मैं यूट्यूब में हो सकती हूँ न्यू, कम सब्सक्राइबर हो सकते हैं, कम फॉलोवर्स हो सकते हैं, लेकिन मेरी चौकी चलती है, 7 साल से कंटिन्यू चलती है, लोग आए रहते हैं, कभी भी नहीं बंद हुई, इवन के कोरोना में भी बंद नहीं हुई। ठीक है, तो महारानी भगवती की जब कृपा आपके ऊपर असीम होती है तो उनके कोई भी कार्य नहीं रुकते हैं। ठीक है, मैं चौराहे से आपको रिलेटेड बात बता देती हूँ
ये चौराहे पर जो उतारा होता, मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई थी पर उस पर ये क्वेश्चन हुए थे कि चौराहे पर क्या देते हैं और फिर पीछे मुड़ के कर क्यों नहीं देखना चाहिए। देखो मैं तो सभी से यही आग्रह करती हूँ कि चौराहे पर छोड़ने के बजाय आप सामान को शमशान में छोड़े और महाकाली को वहां पर अर्पण करें, आप शमशान काली को वहां पे अर्पण करें। क्यों? क्योंकि चौराहे पर से बहुत से बच्चे गुजरते हैं, बहुत सी लेडीजें गुजरती है, नवविवाहिताएं गुजरती हैं, फिर उनका कोख बंधन हो जाता है, कुछ भी होता है, बच्चे नहीं होते हैं। तो इस करके मेरा सभी से ही आग्रह होता है कि आप चौराहे पे करने के बजाय आप वहां छोड़ें। चलो वहां से ना कोई सामान उठाता है ना जल्दी से किसी का वहां पांव पड़ता है, क्योंकि समस्या अपनी उतार के किसी दूसरे के ऊपर देना भी महापाप होता है। और वो पाप आप लोगों को तो लगता है, हमें भी लगता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसी या फिर कोई ऐसी वियावान या जंगल ऐसी जगहें देखें जहां पर आसानी से ना बच्चे जाएं ना कोई बुजुर्ग जाएं, क्योंकि अपना दुख किसी को अगर आप देते हो तो फिर वो भी आप गुनहगार साबित होते हो, ठीक है ना। तो फिर उसको पीछे मुड़ के इसलिए नहीं देखना चाहिए कि क्योंकि जो भी शक्ति होती है वो हमारी आंखों के द्वारा प्रवेश करती है, बहुत ज्यादा उच्च थोड़ी ज्यादा वो आंखों से प्रवेश करती है। जैसे हमने वो करके आया और वैसे हम उसको पीछे देखते हैं तो वो शक्ति द्वारा छोड़ी हुई भी आपके साथ आ जाती है आंखों के माध्यम से, क्योंकि आंखें हमारी एक ऐसी है जो पूरी खुलती है, पूरी खुली होती है। मुंह को तो हम ऐसे काम कर रहे बंद कर देंगे ना, बंद कर देते हैं, तो आंखें हमारी खुली होती है, आंखों से जल्दी प्रवेश करती है और हमारे हृदय में ये प्रवेश करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पीछे मुड़ कर के नहीं देखना है, ठीक है। तो वो जो सामान दिया जाता है, जो आप बोलते हो कि सामान देना होता, वो ये हो जाता है कि आपका पक्का काम हो जाता है। चलो हमने जल दे दिया, उससे उसकी पावर खत्म होगी, धागा बांध दिया तो आपको वो शक्ति तंग नहीं करेगी, शांत होकर बैठ जाएगी, क्योंकि उसको डर होगा हमारी शक्ति का। लेकिन उतारे से ऐसा होता है कि उसको आपके शरीर से उतार दिया, चाहे वो आपका नारियल पे उतार दिया, चाहे वो कई चीजें देते हैं लौंग इलायची बतासे वगैरह जायफल वगैरह, इन चीजों पे उतार करके आप रख सकते हैं वहां पे, ये साधक जो करते हैं उनके लिए है, ठीक है। और ये मैं आपको उतारे से रिलेटेड मैंने आपको वीडियो बताई है, आपको समझ आना चाहिए कि ये, और जो भी अपना काम करवाना चाहे वो कह के कह सकते हैं कि हमारा उतारा करो। मैं तो इसलिए नहीं कहती कि क्यों किसी का 100-200 रुपए का भी खर्चा करवाना, अगर मेरे जल से कोई लोग फ्री में ठीक हो जाते हैं, 10 रुपए करके ठीक हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। मैं तो सोचती मेरे पास इतने गरीब आते हैं जो जिनकी 200 रुपए का सामान लेने की भी वो नहीं है, इतनी गरीबी भी है लोगों की, तरस आती है देखते हुए, बोला भी नहीं जाता है उनको। फिर मेरे पास तो जो भी पड़ा होता है ना मैं उसी में से ही कर देती हूँ, मैं कहती हूँ भगवान इसको सही कर दे, जब सही हो जाएगा तो 200 का नहीं 300 का ले आएगा। तो मोस्टली यहाँ चढ़ा ही रहता है प्रसाद, लड्डू वगैरह, लौंग इलायची वगैरह सब कुछ चढ़े ही होते हैं, जो इतना गरीब आता है फिर मैं ऐसे ही कर देती हूँ, है ना। क्योंकि ये मैंने आपको बताया ही है कि मैं बहुत ज्यादा इमोशनल होने के कारण बहुत ही ज्यादा ना, मतलब बस मैं सोचती मैं तो पीस ही जाऊंगी, अगर ज्यादा जनता के इसमें रही मैं तो मैं पीस ही जाऊंगी। तो हर कोई ये रखें कि अगर उनको किसी भी चीज का, और वैसे भी आप लोग करवा लिया करें, थोड़े थोड़े टाइम बाद अपना लेकर के सामान जो सक्षम है वो करवा लिया करें, 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ग्रहों का भी उसमें वो हो जाता है और आपकी ये भी शांत हो जाती है, ग्रह भी शांत हो जाता है, जो ऐसी एनर्जीज आपको लग जाती हैं वो भी शांत हो जाती हैं और आपका फिर अच्छा ही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। छोड़ दे, उसमें कुछ नहीं होता, वो कोई वो नहीं होता, वो तो अंदर मंदर नहीं होते, ये सब ये वास्तु टिप्स भी हैं, ये करवाने चाहिए, ग्रहों की शांति करनी चाहिए। हम निरंतर इधर उधर घूमते रहते हैं, निरंतर नेगेटिव ऊर्जाओं से वो होते रहते हैं, इतना हमारा एनवायरनमेंट खराब हो चुका है, तो ये चीजें करनी चाहिए। जो ये चीजें नित नियम से करते हैं उनके पास अलावला नहीं आती है। नहीं तो सबसे अच्छा होता है कि पूजा पाठ करिए, आप चालीसाएं पढ़िए, आरती कीजिए, ये सब आप करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आती है तो भगवान स्वयं सामते हैं आपकी रक्षा के लिए, किसी ना किसी को करते हैं। तो अगर आपने कुछ भी नहीं करना तो उतारे करें, उतारे सबके लिए अच्छे होते हैं, करने चाहिए। मैं समझ चुकी हूँ, अब मैं कई बार अपने बच्चों का कर लेती हूँ, ठीक हो जाते हैं, लगता है थोड़ा सा कि हाँ ऐसे कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं तो कर देती हूँ, तो उसमें कोई नहीं होती। ज्यादा आप पानी के किनारे में छोड़ा है, नदी के पास छोड़ा है, वहां पे छोड़ दें आप सामान रख करके, अपने बच्चों पर से उतारा करिए, महा उतार दिया कि ये काले महा उतार दिया, तिल का सॉरी तेल उतार दिया करे, सरसों का तेल, शनि शांत हो जाता है, राहु केतु शांत हो जाते हैं, इन सब चीजों का अपना हुआ है। तो ठीक है, ना ही मैं वीडियो ज्यादा लंबी करती हूँ, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। जय श्री महाकाल, जय माता की। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, मैं आपके कमेंट का वेट करती हूँ। और मैं अगर आपको थैंक्स नहीं लिख सकती हूँ तो उसके लिए सॉरी,
हूँ कि आपकी दीदी को बहुत काम है, बहुत काम है। अभी किसी दिन बैठ बैठ के आपके इस पर थैंक्स लिखूंगी, थैंक्स लिखूंगी, जरूर लिखूंगी। बहुत अच्छी बात है, मेरे इतने कम सब्सक्राइबर होने पर भी और मेरा इतना छोटा चैनल होने के बावजूद भी आप लोग मुझे पूरा सहयोग दे रहे हैं। आप लोगों के सहयोग से मेरी भी इच्छा रहती है कि मैं आपको वीडियो बना के दूं। ठीक है, तो जय माता की।